इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ḍalaलह व कुल्लु ḍालालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना बिल्लदुनका रहमतम व हय्यि' लना मिन अम्रिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 14 मार्च 2021 को संडे के दिन क़ुरान क्लास नंबर 71 में हम इंशाअल्लाह ताला सूरत अन्निसा की आयत नंबर 44 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। भला तुमने उन लोगों को देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था, यानी लोहे महफूज ही का हिस्सा है तौरात भी, ज़बूर भी, इंजील भी और कुरान भी। तो अहले किताब ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को उसी किताब में से एक हिस्सा दिया गया उनकी इल्हामी किताब की शक्ल में, लेकिन उन्होंने उस किताब की कदर नहीं की। यश्तरून अद्दलालह, वो गुमराही खरीद रहे हैं। व युरीदून अन तदिल्लुस सबील, और ये भी चाहते हैं कि तुम्हें भी राह रास्ते हटा दें, तुम भी बहक जाओ। गुमराही क्या खरीद रहे हैं, यानी अपने हाथों से हदायत देकर, इस एतबार से कि उनके पास अपनी किताबों में पैगम्बर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक प्रोफेसीज़, पेशगोइयाँ मौजूद थीं, बजाय इसके कि वो वक्त के पैगम्बर को वेलकम करते, उनको एक्सेप्ट करते। सबसे बड़े वो दुश्मन बन गए ज्यूज़, यहूदी और नसरानी भी, और उन्होंने अपने हाथ में आई हुई हदायत को देकर गुमराही खरीद ली, यानी पैगंबर का इनकार किया। नूरुन अला नूर था उनके साथ, एक तो उनकी अपनी किताबों में पेशगोइयां और दूसरा वो प्रॉफिट पेशगोई की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बन के सामने भी आ गए। और चूंकि जिस बिल्ली की दुम कट जाए उसकी ख्वाहिश होती है बाकी बिल्लियों की भी दुम कट जाए ताकि वो नुमाया ना हो, तो ना सिर्फ वो खुद गुमराह हुए बल्कि मुसलमानों को भी वो गुमराह करते हैं। यानी नबी अलैहिस्सलाम के करीबी साथियों के दिलों में भी इस किस्म की बातें डालते हैं कि वो भी दीन से मुतनफ़र हो। वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, ऐ मुसलमानों। यानी तुम्हें नहीं पता चूंकि इल्म गैब तो नहीं किसी के पास। तो अब ये वो यहूदी थे जिन्होंने ऊपर से कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया था, कानूनन वो असहाब भी थे, साथ नमाजें पढ़ते थे, लेकिन अंदर से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। मुसलमानों को तो इस बात का नहीं पता था, ज़ाहरी कलमे का एहतराम होता था। अगर किसी की बातों से अंदाज़ा भी हो जाए और कोई समझ ले कि ये इस नीयत से कर रहा है, और उसको सहाबा कराम कभी डांटते भी थे तो वो कहता था कि अल्लाह ने तो बदगुमानी से मना किया, तुम क्यों बदगुमानी करते हो, तुमने मेरा दिल चीर लिया। तो ज़ाहिर है फिर तो आप किसी को नहीं कह सकते। ऐन मुमकिन है कोई शख्स अपने नफ्स के गलबे से मगलूब होकर या दुनिया की मोहब्बत में या दुनिया के रख रखाव की वजह से ही राह रास्त से हट रहा हो, असल में वो दीन को एक्सेप्ट करता हो, उसमें और जो शख्स वाकई मुनाफिक हो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं कर सकता बगैर अल्लाह के वही की तायीद के। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ग़ज़वे ओहद से पहले अगर मुझे कहता ना कोई कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहूँ कि रसूलुल्लाह के साथियों में कोई भी दगाबाज और मुनाफिक नहीं है तो मैं कसम उठा लेता, लेकिन मैं तो हैरान हो गया कि हम 1000 का लश्कर लेके निकले, उनमें से 300 अलग हो गए ऐन मैदान जंग में। अब वो हुजूर के साथ निकले तो थे, कलमा गो थे, मुसलमान थे, अब्दुल्लाह इब्न उबई की सरकर्दगी में वो निकल आए। वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को जानता है। वकफा बिल्लाही वलिय्यन वकफा बिल्लाही नसीरा, और अल्लाह ताला तुम्हारा पुश्त पना काफ़ी है, हमायती काफ़ी है, और वही तुम्हारा मददगार है। यानी अब यह नहीं है कि अब इन दुश्मनों की टेंशन लेके तो लकीर पीटना शुरू कर दो, जिस तरह आजकल मुसलमान भी कहते हैं यहूदी साजिश कर रहे हैं। तो यहूदी क्या करेंगे, साजिश नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, 5th जनरेशन वार हो चुकी है, तो भाई यही करेगा ना वो। आप इस लकीर को पीटने की बजाय उसके लिए काउंटर नैरेटिव, काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार करें। अच्छा, हमारी मुसलमानों की आदत है वो जी यहूदियां दी साजिश है, वो जी क्यामत दी निशानियां पूरियां हो रही ने, क्यामत दी सारी निशानियां पाकिस्तानी जी पूरियां हो गई ने, बाहर के मुफ्त सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये गुर्बत, परेशानी, सिक्योरिटी रिस्क, ये सारी क्यामत की निशानियां पाकिस्तान में पूरी होनी, क्यामत सिर्फ पाकिस्तान ही आनी है। हम अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपने इश्यूज के ऊपर पर्दा डालने के लिए क्यामत की निशानियां कह के ना तो बात टाल देते हैं। यहूदियों की साजिश है तो यहूदी तो साजिश करेंगे, आपका काम यह है कि उन साजिशों के को आप अपॉर्चुनिटी बना लें अपने लिए। यह तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, हक और बातिल की कश्मकश रहेगी। हर मूसा के मुकाबले पे कोई फिरौन होगा, हर हुसैन के मुकाबले पे कोई ना कोई यजीद होगा, क्योंकि जब तक प्यास ना हो पानी की कदर नहीं होती। तो ये अल्लाह की पार्टी और शैतान की पार्टी, ये दोनों पार्टियां हमेशा रहेंगी। मिनल्लज़ीना हादू, यहूदियों में से ऐसे लोग भी हैं युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, जो अल्लाह के कलाम को उसके असली जगह से हटा देते हैं। यानी उन्होंने अपनी किताबों में भी तारीफ की, और एक उनकी जुबान जिसे हम कहते हैं ना अपने पंजाबी लैंग्वेज में पांड जिस तरह होंगे ना, यानी जानबूझ के बात को बिगाड़ना। व यकूलूना, और वो कहते हैं समिअना व असैना, हमने बात सुनी और नाफरमानी की। कुरान में क्या हुक्म था, समिअना व अताना कहो, समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अहले ईमान को कहा गया तुम्हारी रविश ये होनी चाहिए, जब भी कोई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें हुक्म दें तुम कहो हमने सुना और इताअत कबूल कर ली। तो सहाबा इकराम जब भी रसूलुल्लाह से कोई बात इस तरह की सुनते थे हुक्मन तो कहते थे समिअना व अताना, अल्लाह के नबी हमने सुना और हम आपकी इताअत करेंगे। अब यहूदी जो कि कलमा गो थे, बीच में नमाजें भी साथ पढ़ते थे, लेकिन बुजदिल ही मुनाफिक होता है ना, वरना तो अबू जहल जो है वो मुनाफिक इसीलिए नहीं था, वो बुजदिल नहीं था, बहादुर था, उसने अपने बातिल मजहब के लिए भी जान लुटा दी। यहूदी जो हैं ये बुजदिल थे, इन्होंने ऊपर से इस्लाम के गलबे की वजह से कलमा पढ़ लिया, अंदर से साजिशें करते थे, सामने इसलिए नहीं आते थे कि उनको जान का खतरा था। तो फिर ये जब इस तरह टोलियों की शक्ल में बैठे होते थे, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कोई हुक्म दे रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ना वो जुगतबाजी करते थे। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जब कोई बात की, बाकी साहबा तो कह रहे होते थे समिअना व अताना, अब इनका दिल करता था कि ये कहें। वो तो उनको अल्लाह का पैगंबर नहीं मानते थे, वो तो नाउज़ बिल्ला कहते थे ये झूठा है, क्या क्या नाम रखे कुरान में आया, मजनून है, शायर है, इससे परेशान ख्वाब आते हैं, नाऊज़ु बिल्ला। तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो बैठे बैठे कहते थे समिअना व असैना, यानी पहला लफ्ज़ वही बोला और दूसरा लफ्ज़ अताना के बजाय असैना बोल दिया। अब किसी ने अगर सुन लिया कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तो वो कहेगा भी अपने कान का इलाज कराओ, मैंने समिअना व अताना कहा है, वो पहला लफ्ज़ तो कॉमन है ना। तो फिर ज़ाहिर है कोई शरीफ आदमी तो ये कहेगा यार हो सकता है मुझे सुनने में कोई फ़र्क लग गया हो, लेकिन वो ये अल्लाह तरफ माता ही उनकी आदत ही वो करते थे। और साथ क्या कहते थे, वस्मा गैरा मुस्मा, वो कहता था कि सुनो, ये बात ऊंची कहते थे कि रसूलुल्लाह का हुक्म सुनो, और साथ ही कहते थे तुम्हें कोई ना सुने, ये आहिस्ता आवाज़ में वो कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बाकियों के सामने वो कह रहे हैं सुनो सुनो हुजूर क्या कह रहे हैं, और साथ आहिस्ता आवाज़ में कहते थे इसकी बात कोई ना सुने। तो इस तरह ही करते थे। वराइना और राइना भी कहते थे, ये सूरतुल बकरा में आया है। राइना का मतलब होता है हमारी रियायत कीजिए, यानी साहबा कराम को जब बात आप अलैहिस्सलाम की समझ नहीं आती थी ना, तो वो रिक्वेस्ट करते थे, जिस तरह वो हम कहते हैं ना मुकर्रर, यानी बात दोबारा करें, तो इसको अरबी में वो कहते हैं राइना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत करें, हमें समझ नहीं आई, तो अभी कितना सोफिस्टिकेटेड वर्ड था, हमारा ख्याल रखते हुए एक दफ़ा बात दोबारा करते। अब यहूदी इस लफ्ज़ को बिगाड़ के राइना पढ़ते थे, उसका मतलब है ए हमारे चरवाहे, नाऊज़ु बिल्लाह। सहाबा तो ये नहीं कह रहे होते थे, यहूदी वो इस तरह अल्फाज को बदल के तो अपना गुस्सा निकालते थे। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में हुक्म नाजिल हुआ कि तुम कहा करो उन्जुरना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, तुम राइना कहना ही छोड़ दो, वक़ूलू उन्जुरना, और यूं कहा करो या रसूलल्लाह हमारा इंतज़ार फरमाएं, हम पर नज़र करम फरमाएं, ज़रा बात अपनी दोबारा इरशाद फरमाते। अच्छा, अब पॉइंट नोट करने का ये है कि सहाबा तो इस लफ्ज़ को बिगाड़ते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि आप नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह मुखातिब ना करें। उन वो तो कर रहे हैं, उनका तो बकवास को रोक नहीं सकता ना, लेकिन आप नबी अलैहिस्सलाम को जब आप बुला रहे हो ना, तो आप लोग ये ना कहा करें, आप कह दिया करें उन्जुरना या रसूल अल्लाह। और इसका क्लाइमैक्स सूरह अल हुजुरात में चल के आएगा, वहाँ पे तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज़ को भी रसूलुल्लाह की आवाज़ से तुमने बुलंद नहीं करना, वरना तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी, यानी तौबा की तौफीक भी नहीं मिलेगी। खबर हो जाए तो बंदा तौबा कर लेता है। और ये आयत हज़रत अबू बकर उमर के बारे में नाजिल हुई, सही बुखारी में इसका शान नुज़ूल मौजूद है कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक न्यू मुस्लिम काफिला आया, एक कबीला आया, तो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आदत थी कि उनमें से किसी एक को ना उनका अमीर मुकर्रर करते थे, ताकि मुस्तकबिल में जब कभी भी कम्युनिकेशन करनी हो तो सिर्फ अमीर को बताया जाए, वो अपने कबीले को बता देगा। ज़ाहिर कबायली सिस्टम था। तो हज़रत अबू बकर ने मशवरा दिया, या रसूलल्लाह आप फ़लाँ शख्स को अगर मुकर्रर कर देना तो ये ज़्यादा सूटेबल बंदा है। तो सैयदना उमर ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये बंदा ठीक नहीं, आप इसको करें। तो इस पर बशरी तकाजे के तहत हज़रत अबू बकर उमर का आपस में इख्तलाफ हो गया, और हज़रत बकर ने कहा कि मैं जब भी कोई मशवरा दूँ तुम ज़रूर उसके उलट कोई बात तुमने करनी होती है। तो अब ये वो आपस में बातें कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में, हुजूर से कोई बदतमीज़ी नहीं की, आपसे कोई ज़ुबान दराज़ी नहीं की, लेकिन अल्लाह ने इस चीज़ को इतना नापसंद किया कि ये आयात नाजिल कर दी ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करना, आपस में नहीं बुलंद करनी, जहां हुजूर बैठे हो ना वहां तुमने ऊंची आवाज़ भी नहीं करनी, वरना तुम्हारे अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। और यह हदीस जब बुखारी में आती है ना, इस हदीस का रावी है अब्दुल्ला इब्ने अबी मुलैका ताबई, जो कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सहाबी से रवायत करते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम करीब था कि इस मखलूक के दो बेहतरीन फर्द बर्बाद हो जाते जब उन्होंने अनजाने में रसूलुल्लाह की खिदमत में अपनी आवाजें बुलंद कर दी। हम दुआ करें। और फिर जब ये आयात नाजिल हुई तो उसी बुखारी के हदीस में आता है हज़रत उमर रसूलुल्लाह के सामने इतनी आहिस्ता आवाज़ में बात करते थे कि बाज़ औक़ात हुज़ूर को आवाज़ ही नहीं आती थी। आप कहते तो उमर थोड़ा सा तो ऊंचा बोल, यानी वो सरगोशी में बात करना शुरू, इतना डर गए। तो फिर अगली आयात नाजिल हुई इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को हमने तकवे के लिए चुन लिया है, इनके लिए मग़फ़रत और अजर अज़ीम है। और सर ये जो आयत है ना, ये आज भी जाली शरीफ के ऊपर जो आयत लिखी हुई है ना, वो यही है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, यानी रसूलुल्लाह अपनी वफ़ात के बाद भी अपनी कब्र मुबारक में होने के बावजूद उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह अपनी मुबारक ज़िंदगी में मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह की कब्र के पास भी आवाज़ को बुलंद करना ये गुस्ताखी है, ये आयत लिख के लगाई हुई है। और आप वहाँ पे शुरतों को देखेंगे जो गैर शरी अफ़ाल कर रहे होते हैं ना, हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोग कोई कुछ जाली के साथ आग लगाने की कोशिश करता है, वो कुछ, वो जब उनको मना कर रहे होते हैं ना तो वो अपनी ज़ुबान नहीं खोलते, इशारे करते हैं हाथ से। उनकी इतनी तरबियत उन्होंने वहाँ की हुई है कि वो आवाज़ नहीं बुलंद करने देते। ये नबी इस्लाम की रिस्पेक्ट है। और फिर उसमें यह भी आया, सूरतुल हुजरात में भी, सूरतुल नूर में भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह गुफ्तगू ना करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ करते हो। ये ना समझ लेना कि मतलब अगर सैयदना अबू बकर जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के सुसर हैं तो सुसर बाप की जगह होता है, नहीं, और दामाद बेटे की जगह होता है, नहीं। इसीलिए आप देखें हज़रत अबू बकर भी जब हदीस रिवायत करेंगे तो क्या कहेंगे, काला रसूलुल्लाह। सैयदा आयशा के खावंद हैं, लेकिन हज़रत आयशा जब हदीस रिवायत करेंगी तो क्या कहती हैं, काला रसूलुल्लाह। सैयदा फातिमा तो ये कह सकती थी मेरे बाप ने फरमाया, लाडली भी थी, लेकिन हज़रत फातिमा भी जब हदीस रिवायत करती हैं तो काला रसूलुल्लाह। यानी नबी अलैहिस्सलाम का जो ये मनसब रसालत इतना डोमिनेंट है कि जितने आपके दुनियावी रिश्ते भी हैं ना, उन रिश्तों की निस्बत से भी कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम को पुकार नहीं सकता। ये आपका प्रोटोकॉल है। सलात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जान के मान पाऊं तो अर्ज करूं, अब ये बातें हमने हुजूर के फजाइल के लिए तो सिर्फ बयान नहीं करनी, इसमें से रिजल्ट भी निकालना। अगर नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ से आवाज़ को बुलंद करना गुस्ताखी और कुफ्र है, ख्वा अबू बकर उमर ही करें, तो हुजूर के फरमान से किसी दूसरे की बात को बुलंद करना उससे बड़ा कुफ्र है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको बताऊं कुरान में ये लिखा है, बुखारी में ये लिखा है और मुस्लिम में ये लिखा है, और आप कहें कि दाता साहब ये फरमाते हैं, अजमेर शरीफ वाले ये फरमाते हैं, तो आप पे मैं फिट करूंगा ना, ला तरफा अस्वातकुम फौका सौत नबी, रसूलुल्लाह से ऊंची किसी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। या हमारे इमाम साहब तो ये फरमा गए हैं, नहीं। जहां अबू बकर उमर रदियल्लाहु अन्हुमा अलैहिमुस्सलाम वो अपनी को बात नहीं कर सकते, वहां आपके बाबे और बुजुर्ग क्या कर सकते हैं। ये है इसमें से रिजल्ट। पहली वाली गुस्ताखी तो शायद कोई मुसलमान ना करे, लेकिन ये दूसरे वाली गुस्ताखी दुनिया के करोड़ों मुसलमान कर रहे हैं। हम उन्हें चीख चीख के कहते हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दीन और है, बाबों का दीन और, किताबों का नबी और है, बाबों का नबी और। ये मतलब नहीं कि वो नबी कोई डिफरेंट है, उनका मानते इसी को ही है, वो तो हिंदू भी इसी खुदा को मान रहे हैं, लेकिन हमें हिंदुओं से क्या इख्तलाफ है, उस तरह नहीं मान रहे जिस तरह अल्लाह ने कहा है मानने को। ईसाई किसी और खुदा को मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं ईसाई हो तुम्हारा खुदा और, हमारा खुदा और। ये तो कुरान में भी है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन अलग है हमारा दीन अलग है, इसलिए कि तुमने उन क्वालिटीज और सिफात के साथ नहीं माना जो अल्लाह खुद चाहता था अपने लिए। इस तरह बाबों ने जो दीन दिया वो उन्होंने खुद बना के आपको दिया, वरना किताबों से तो मैच करता। तो जिन बाबों का दीन किताबों से मैच करे, उनकी जूतियां हमारे सर का ताज, और जिन बाबों का दीन हमारी किताबों के खिलाफ हो, फिर हमारी जूतियां डैश 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 डैश। बिल्कुल सिर्फ इज्जत ही वेल करनी है। दूसरे ने तो चुक के रख दो तो आप तुसी कम पाओ तो तुहानू छड़ दईए सी ना। ये भी रिजल्ट निकलता है इसमें से। तो ये मदनी जो रिजल्ट्स निकलते हैं ये तो मैंने साथ साथ बताने हैं, वरना तो मैं आज के दौर का कुरान ही नहीं पढ़ रहा हूँगा। आज मैंने अब्दुल्ला इब्ने उबई को एज ए हिस्ट्री तो डिस्कस करना है, लेकिन आज के अब्दुल्ला इब्ने उबई भी तो बताने हैं ना। आज अगर मैंने हुसैन इब्ने अली की बात करनी है तो आज के यजीदों को भी तो नंगा करना है। हमें तो उन यजीदों से खतरा है ना जो आज हम पे मुसल्लत हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी ये आदत थी, वराइना लयम बिअल्सिनातिहिम, अपनी जुबानों को मरोड़ के राइना कहते हैं, व तानन फिद्दीन, और दीन में तानाजनी करते हैं। ये यहूदियों की आदत थी। वलौ अन्नहुम, हाय हाय हाय, और अगर ये होता, काश ऐसा होता कि उनकी रविश ये होती, कालू समिअना व अताना, हम सुनते हैं और अल्लाह के नबी आपकी इताअत इख्तियार करते हैं, वस्मा, और हमारी अर्ज सुनिए, वंजुरना, और हम पर निगाहे करम फरमाइए, लकाना खैर लहुम, तो उनके लिए इसमें खैरियत होती, व अक़वम, और यही दुरुस्त बात होती, वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन असल में इन पे लानत पड़ गई है इनके इनकार करने के सबब, हक से इनाद कर दिया। अच्छा, वो सूरह निसा में आगे चल के आएगा कि वो कहते थे हमारे दिलों पर तो ग़िलाफ़ हैं, हम इतने पक्के हैं अपने अक़ीदे पे कि नबी जो भी कहें हमने बात अपना अक़ीदा नहीं छोड़ना। इधर भी हम लोगों को बताते हैं ना, कुरान में लिखा है, बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, कितने लोग कितने ज़िद्दी होते हैं, कहते हैं असी तो बड़े पक्के अपने मसलक थे, असी इतने अपने पक्के हैं कि जो मर्ज़ी करो तुझे ऐसी नहीं मननी, कहते हैं ना। उस ज़माने में यहूदी भी यही कहते थे। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो पक्का पक्का कह रहे हैं ना, ये पक्के नहीं है, लानत पड़ी हुई है इनके ऊपर। और आज के लोगों पे भी लानत है जिनको हम कुरान और सुन्नत से बात बताते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने अपना फिरका नहीं छोड़ना, और वो ये खुश है कि हम छोड़ नहीं रहे, असल में मलऊन हुए हुए हैं। फला युमिनूना इल्ला कलीला, इनमें से बात नहीं मानेंगे, ईमान नहीं लाएंगे सवाए चंद लोगों के। तो अल्लाह जिसको तौफीक दे दे तो देख लें सर, अल्लाह का शुक्र है हमने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखी है। ये वो तब्दीली है जो नज़र आई है कि बाप दादा जो है कब्रों के पुजारी थे और बेटे जो हैं वो पक्के मुवाहिद हैं। बाप दादा जो है बुज़ुर्गों के तरीके पे नमाज़ पढ़ते थे, औलाद आगे से कुरान और सुन्नत में जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका बुखारी मुस्लिम में है उसके मुताबिक नमाज़ पढ़ रही है। तो तब्दीली तो आई है। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ए वो लोगो जिन्हें किताब दी गई, यानी यहूद और नसारा अहले किताब, आमिनू, मान लो बात, ईमान ले आओ, बिमा नज़लना मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, उस किताब को जो नाजिल हुई है, और कोई ऐसी किताब नहीं है जो बिल्कुल अनोखी हो, ये खुद तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास किताबें हैं उसकी। चलो कोई अनोखी बात होती तो, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर हज़रत मूसा का या ईसा का इनकार कर देते फिर तो समझ आती थी कि यहूदियों और ईसाइयों को तकलीफ़ है। जब नबी अलैहिस्सलाम खुद हज़रत ईसा की और मूसा की तारीफ़ें बयान करें और कुरान उनकी शान बयान करे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम कुरान में आए 5 दफ़ा और हज़रत ईसा का आए 25 दफ़ा, अब क्या तकलीफ़ है ईसाइयों को? हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम आए 5 दफ़ा, 4 दफ़ा मोहम्मद और 1 दफ़ा अहमद, और मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 125 दफ़ा, तो अब यहूदियों को क्या तकलीफ़ है? तो अल्लाह तरफ मारा है कि कोई ऐसी किताब या ऐसे पैगंबर नहीं आए कि जो अनोखे हों, ये ऐसे हैं कि जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करते हैं। दो एतबार से कुरान ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए यहूदो नसारा की किताबों की तस्दीक कर दी, इस एतबार से कि उन किताबों में मौजूद था कि आखिरी पैगंबर आएंगे। अगर आखिरी पैगंबर ना आते तो वो किताबें झूठी पड़ जाती। तो रसूलुल्लाह का आना उन किताबों को सच्चा करता है कि उस किताब ने कहा था ना आखिरी नबी आएंगे, ये आ गए हैं। इस एतबार से तस्दीक कर दी कि वो बातें, उनकी पेश गोइयाँ, प्रोफेसीज दुरुस्त थी। और दूसरा इस एतबार से भी पेश गोई के एतबार से तो ये दुरुस्त हुई, और इस एतबार से भी ये तस्दीक करने वाली है कि ये कुरान कहता है कि तौरात और इंजील भी अल्लाह की किताबें थी। ये उनकी तस्दीक करता हुआ भी आया और उनकी प्रोफेसीज को पूरा करते हुए भी आया ये किताब और नबी अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह तो मारा है कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है किताबें, उनकी तस्दीक करने वाली किताब है। तो मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहन, इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरों को मस्ख कर दें। फ़नरुद्दहा अला अदबारिहा, और चेहरों को हम पीठ की तरफ फेर दें। यानी क़यामत के दिन में कि ऐसे जिसको कहते हैं मनकई तोड़ दिया जाए तुम्हारा, और चेहरा तुम्हारा मस्ख कर दिया जाए। व नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस्सब्त औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस्सब्त, या फिर तुम पर लानत करें जिस तरह के तुम्हारे बुजुर्गों पे लानत की थी जो असहाबे सब्त थे, हफ्ते के दिन के शिकार करने वाले। उनका डिटेल जिक्र सूरतुल अराफ में आएगा कि हफ्ते के दिन के शिकार से मना किया गया हीला बारी बहानों से वो, और अल्लाह ने आजमाइश ऐसी की कि वो सारी मछलियां नज़र भी हफ्ते वाले दिन आती थी, तो उन्होंने एडजेसेंट गड्ढे खोद लिए समुंदर के किनारे या अपनी उस समुद्री झील के किनारे। तो जब मद्दो जज़र की वजह से हफ्ते वाले दिन पानी चढ़ता था तो वो उन गड्ढों में फंस जाती थी मछलियां, और जब पानी उतरता था तो इतवार को बड़े आराम से शिकार कर लेते। तो कहते थे हमने हफ्ते को तो शिकार नहीं किया, हालांकि वो यूं करके वो हीला तो कर रहे होते थे। तो अल्लाह ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। बोले आउज़ुबिल्लाह ताला। मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है इसके ऊपर, यहूदियों पर अजाब क्यों आया, उसमें मैंने वाक़या डिटेल से बताया, उससे रिलेटेड अहादीस भी। आज मान ली कि मैं उसमें जाऊँ, वो इंशाल्लाह जब सूरतुल अराफ में वो हिस्सा आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह ताला हमारा, तुम चाहते हो कि उस तरह जिस तरह तुम्हारे बुजुर्गों पर लानत हुई तुम भी लानती बन जाओ। वो तो लानती हुए थे ना, लेकिन तुम्हें तो लानती नहीं बनना चाहिए अपने बुजुर्गों के पीछे चलते हुए। तुम्हारे अंदर तो अल्लाह के पैगम्बर आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर आज भी हम यही बात करते हैं कि अगर आपके बुजुर्गों को दीन का सही पता नहीं चला तो अब आपके पास कुरान बुखारी मुस्लिम तर्जमे के साथ आ चुकी है, अब आप क्या बहाना करेंगे? ये गोया अल्लाह और उसका रसूल ही आपके पास आए हुए हैं। आज की डेट में अल्लाह रसूल एज ए पर्सनैलिटी तो नहीं आएंगे आपके पास, किताबुल्लाह और सुन्नत है जो आप अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर, गदीर खुम के मौका पर, अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत और अहले बैत, ये आपके लिए छोड़े। आप उनको छोड़ के तो हर एक के साथ अटैच होने के लिए तैयार हैं। वकान अमरुल्लाहि मफऊला, और अल्लाह का हुक्म तो पूरा होकर ही रहता है। यानी तुम जितनी मर्जी साजिशें कर दो, जो अल्लाह ने डेस्टिनी में तय कर दिया है कि हमने इस पैगंबर को गलबा देना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो होकर रहेगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, वही अल्लाह है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को अल हुदा यानी हदायत की किताब, ये कुरान और दीन हक़ के साथ मबूस किया ताकि तमाम अदियान पे इसे गालिब कर दे, ख्वाब मुशरिक और काफिर इसका बुरा मान जाए। ये होकर रहना है। तो ये अल्लाह का जो अम्र है ये पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब मेरे भाइयों, जो ये आयत मुबारक आ रही है ना, सूरत अन-निसा की आयत नंबर 48, ये मुतकाजी है कि हम बकिया सारी गुफ्तगू इसी कॉन्टेक्स्ट में करें। ये कुरान हकीम की अगर मैं कहूँ ना सबसे क्रिटिकल आयत है, तो मेरा ये दावा गलत नहीं होगा। कायनात की सबसे बड़ी हकीकत को आश्कार करने वाली ये आयत मुबारक है, तो ये मेरा दावा गलत नहीं होगा। सूरत अन-निसा की आयत नंबर 48 सूरत अन-निसा में 2 दफ़ा रिपीट हुई है, थोड़े से अल्फाज के फ़र्क के साथ। एक 48 नंबर पे और इसके बाद 116 के ऊपर जाके ये आयत आएगी। शुरू के अल्फाज सेम है, बाद वाले जो हैं वो थोड़ा सा फ़र्क है। मैं वो दोनों आयत पढ़ देता हूँ और इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह तफसीली डिस्कशन करते हैं। पहले उस आयत मुबारक को हम पढ़ लें। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह, बेशक अल्लाह इस गुनाह को तो कभी मुआफ़ नहीं करेगा कि कोई शख्स इस हाल में अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन पेश हुआ कि वो दुनिया में शिरक करता हुआ। दुनिया में माफ़ कर देगा अगर किसी ने माफ़ी मान ली, या आखिरत की बात हो रही है। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं जिसके लिए चाहेगा मुआफ़ कर देगा, वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है। जिसके लिए चाहेगा मुआफ़ कर देगा, लेकिन उम्मीद है कि वो काबिल मुआफ़ी हैं। लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह भी मुआफ़ नहीं करेगा। अब कोई कहे कि जी अल्लाह की ये कुदरत की नफ़ी नहीं हो जाती, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तो अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि मैं शिर्क भी मुआफ़ नहीं करूँगा? अल्लाह तो शिर्क मुआफ़ कर सकता है, हम ये जुमला भी नहीं बोलेंगे कि कर सकता है। इसलिए ला तब्दील अली कलिमात अल्लाह, जो अल्लाह की वईदें हैं ना वो अल्लाह के फैसले हैं। ये बहुत सख्त मामला है, अल्लाह के कलिमात नहीं बदलते। तो अल्लाह ताला ने ये अपनी डेस्टिनी में चीज़ मुकर्रर कर दी है कि मैंने मुशरिक को किसी सूरत भी बख्शना नहीं है, उसके लिए जन्नत नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई गुनाह है वो जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा, और वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है। और उसमें मैं आपको एक गुनाह के हवाले से बता दूं, सुन नबी दाऊद में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, बाकी हर गुनाह माफ़ कर देगा। एक शिर्क और दूसरा किसी मुमिन का कत्ले ना हक। ये जो इसमें एक इशारा था ना कि इसके अलावा हर गुनाह चाहेगा जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा, तो इसका क्या मतलब है? जिसके लिए नहीं चाहेगा नहीं माफ़ करेगा। तो इसमें भी इशारा मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ भी है कि जो अल्लाह ताला जिस पे गिरफ्त कर सकता है, और वो है कत्ले ना हक किसी मुमिन का। तो अब मुझे बताएं, जिन्होंने हुसैन इब्ने अली और उनके साथियों को नाहक कत्ल किया वो किस उम्मीद पे बैठे हुए, और उनको जन्नत की झूठी खुशखबरियां सुनाने वाले किस उम्मीद पे बैठे हुए। सोचने वालों के लिए ये चीज़ काफ़ी है। सुन नबी दाऊद की हदीस, वमन युशरिक बिल्लाह, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ा झूठ अल्लाह ताला के ऊपर बांध दिया, बहुत बड़ा गुनाह का काम उसने किया जिसने शिर्क किया। अच्छा, सूरह निसा की आयत नंबर 116 जब आएगी ना, उसमें पहले अल्फाज तो यही होंगे, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लेकिन अगले अल्फाज हैं, व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे वो गुमराह हुआ और गुमराही में दूर जा पड़ा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़हु अलल ईमान, आमीन। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आमीन। अब ये मेरे भाइयों ऐसा टॉपिक है कि मैं इस पे अगर कम से कम 2 घंटे बोलूँ ना तो तब मेरी तसल्ली होगी। लेकिन मैंने चूँकि पिछली कुरान क्लासेस जो 344 लेक्चर्स में मुकम्मल हुई थी, उनमें इस आयत के ऊपर आलमोस्ट 2.25 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी। इसी आयत के ऊपर मसला नंबर 3 के नाम से वो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। आप यूट्यूब पर वैसे भी लिखे ना दुआ सिर्फ अल्लाह ही से और अली मिर्ज़ा, तो वो वीडियो खुल जाएगी। और उसके बाद भी कई एक लेक्चर्स वक्तन फ़क्तन मैंने रिकॉर्ड करवाए, वसीले के नाम पर धोखा, मुझे तुमसे शिर्क का ख़तरा नहीं, ये अक्सर आप सुनते हैं ना, तख्ते बिल्कीस वाला वाक़या, मूसा और खिज़र वाला वाक़या अलैहिस्सलाम, हर वो चीज़ जिसे धोखा करके ना कब्र परस्ती या बाबा परस्ती या बाबों से मांगना सिखाते हैं ना, एक एक चीज़ के ऊपर मैंने अलग से तसल्ली करवाई है कुरान बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो सारे लेक्चर जमा करें तो इस एक आयत पे कम से कम 10 घंटे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन टाइम तो मुतहम्मिल नहीं है कि हम इतनी डिटेल गुफ्तगू करें। लेकिन चंद एक बातें तो मैं ज़रूर करूँगा। एक रिसर्च पेपर मैंने इसके ऊपर लिख दिया 8 सफ़ों का, आप ahlsunnatpak.com पर डाउनलोड करेंगे। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, मैंने उसका नाम तौहीद शिर्क इस तरह का नहीं रखा क्योंकि लोग इन नामों से चिढ़ जाते हैं। मैंने वो चीज़ उसके नाम पे रखी कि जिसके ऊपर लोग चिढ़े ना। आप किसी भी मुसलमान से, ख्वाह बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, अहले तशय्यो हो, जाके पूछें कि दुआ किससे की जाती है, तो क्या कहेगा? अल्लाह से। कोई आपको नखट्टू किस्म का भी बंदा ये नहीं कहेगा कि दुआ जो है वो किसी फरिश्ते से हो सकती है, किसी जिन से हो सकती है, किसी पैगम्बर से हो सकती है। नहीं जी नहीं, नमाज तो अल्लाह दी पढ़ी दी है, दुआ भी अल्लाह को मंगी दी है। लेकिन हालत ये होगी कि वो दुआ अल्लाह से ये मांग रहा होगा, नमाज में तो कुरान की वो आयत सूरतुल फातिहा की 4 नंबर आयत कम अज़ कम 17 रखते हैं जो फ़र्ज़ हैं रोज़ाना की, उनमें 17 दफ़ा पढ़ता होगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। ऐ अल्लाह इबादत भी सिर्फ करेंगे और मदद भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे। ये मदद कौन सी? दुआ वाली, गायब में किसी को पुकारना। एक तो है आप सामने बैठे हैं, ये तो कुरान में हुक्म है, व तावनु अलल बिर्रि व तकवा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में मत करो। ये तो कुरान में हुक्म है। मैं आपको कहता हूँ मुझे पानी पिला दें, आप मुझे पानी पिलाते हैं, तो ये कुरान में हुक्म है कि आपने असबाब इख्तियार करना है। लेकिन आप बगदाद शरीफ में, अजमेर शरीफ में, और वहाँ भी कब्र में दफन है और आप मर चुके हैं, आखिरत की ज़िंदगी में ज़िंदा हैं, दुनिया की ज़िंदगी से निकल चुके, और मैं आपसे कहूँ कि पानी पिला दें, वही बात वही जुमला एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से शिरक बन जाएगा, क्योंकि आप गैरुल्ला से दुआ मांग रहे हैं। ज़ाहिरी इसबाब में तो आप काफिर से भी मदद मांग सकते हैं। सही बुखारी में मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम जब फौत हुए तो आपकी ज़िरा भी एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी, गंदम के एवज़, अनाज के एवज़। तो आपने यहूदी से भी मदद ली। बाद लोग कहते हैं जी नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वे खैबर पर मौला अली से मदद मांगी। भाई मौला अली सामने मौजूद थे, वो जितने साहब आपके साथ थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार थे दीन के एतबार से, लेकिन आपने खैबर के मौका पर अपने चचा को जो आर्मी चीफ थे ग़ज़वे बदर और ओहद में, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो कि अल्लाह के शेर हैं और सैयदुल शुहदा हैं, अल मुस्तदरिल हाकिम में हदीस मौजूद है, आपने ये तो नहीं कहा अल मदद या हमज़ा, अमीर हमज़ा मेरी मदद को पहुँचे, क्योंकि वो फौत हो चुके थे, जो सामने मौजूद थे उन्हीं को बुलाना था। तो दो चीज़ों को ही मिक्स करते हैं। अच्छा मुझे बताएं बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। तो हम क्या बारिश अल्लाह से मांगते हैं या फरिश्तों से? अल्लाह से। फरिश्तों से मांगेंगे तो शिरक हो जाएगा। लिहाजा ये पता चला कि अगर ड्यूटियां भी लगी हुई हों, कहना ना बुजुर्गों की ड्यूटियां ने इलादा गला, ड्यूटी किसी को नहीं पूरी हुई। जिस जिस मज़ार का कहना ना ड्यूटी है, सारे चरसी पोडरी फीमी उसी मज़ार तक बैठे होंगे ने, अपने मज़ार के उत्ते ड्यूटी नहीं पूरी हो रही उन्होंने को। चले ड्यूटी लगी भी हो, फिर भी आप पुकार नहीं किसी को सकते। ये झगड़ा नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा हैं या नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुश्किल कुशा हैं या नहीं, ये तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा ये है कि अगर ये हों भी, तब भी मरने के बाद, इस दुनिया की जिंदगी से जाने के बाद आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ना किसी फरिश्ते से, ना किसी जिन से, ना किसी पैगंबर से। और अगर आप ज़ाहरी असबाब की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुश्किल कुशा ज़ाहरी असबाब में इस कायनात में इंसानों के लिए सूरज है। सूरज ख़त्म हो जाए सारे इंसान मर जाएंगे, चाहे कोई बुज़ुर्ग है या गैर बुज़ुर्ग है, चाहे मुसलमान है या काफिर है, फारग। सूरज ख़त्म, ज़मीन अपनी नबातात नहीं पैदा कर सकती फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो करती है। जब ज़मीन उगाना छोड़ देगी तो अगर आप जानवर भी खाएंगे तो कितना अरसा, जिस तरह हमारे हुक्मरान हमें कहते हैं कि अगर टमाटर महंगे हैं तो दही डाल लो, तो अगर ज़मीन उगाना छोड़ दे तो हम जानवर खाएंगे तो कितना अरसा, मछलियाँ खाएंगे तो कितना अरसा, वो भी सारी मर जाएंगी हमारे खाने से पहले ही। दुनिया पे मौसमों का तब्दील होना, हवाओं का चलना, हर जिंदा चीज़ की खुराक ये एक सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर सबसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन हुआ? सूरज। आज तक किसी काफिर ने भी कहा अल मदद या सूरज मेरी मदद फरमाइए, हमें कभी वहम भी नहीं आता। सूरज की बरकत से ही ग्लेशियर्स का पानी पिघल के दरियाओं में आता है, ज़मीन के नीचे भी दरिया चलते हैं, ज़मीन के ऊपर भी, जिस पानी से हम लोग जिंदा हैं। और वो ग्लेशियर्स तक पानी पहुँचना भी सूरज की वजह से है, क्योंकि सूरज वेपोरेट करता है समुंदर के पानी को, वो हवाओं और बादलों की शक्ल में हम पर बारिश की शक्ल में और पहाड़ों पे बर्फ़ की शक्ल में बरसती है। वरना ये करोड़ों टन पानी अगर समुंदर से शिफ्ट करना पड़े उसका नमक निकाल के ग्लेशियर के ऊपर, पूरी इंसानियत क़यामत तक भी लगी रही ये नहीं कर सकती। जो कहते हैं जी खुद ब खुद हो रहा है, और जो काम करने से ना हो वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है, जब तक आप उसके पीछे डिवाइन सोर्स ना मान लें। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना के पीछे, वो डिवाइन सोर्स है। ड्यूटी लगाई हुई है। 15 अरब साल से सूरज चल रहा है, उसमें फ्यूल कौन डाल रहा है, उसे कान से पकड़ के कौन चला रहा है। सूरज को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा, लेकिन सूरज को हम क्या मुश्किल को शाम मानते हैं, हालांकि सारी मुश्किलें हमारी वही हल कर रहा है। हम कहते हैं सबब है, फिर भी नहीं पुकारते। इतने बड़े सबब को आप पुकार नहीं रहे तो बाबे किधर से आ गए? बाबे तो खुद आपके नजरानों पे चलते हैं। खाना खा लें तो उन्हें टॉयलेट की जरूरत पड़ जाती है। और जो कोई कहता है ना मैं समुंदर, दरिया या जलजला रोक सकता हूं, वो अपना पेशाब को रोक के बता दे, नहीं। वो पिछले दिनों एक इंडिया के वो मौलाना साहब की वीडियो भी अपलोड हुई थी ना, कि शेख अब्दुल कादिर जनानी की मजलिस में एक वक्त के बहुत बड़े वली बैठे थे, उस दौरान उन्हें पेशाब आ गया और शिद्दत सीधी थी, तो रोक लेते ना, इन्हें खुद मान लिया कि बुजुर्ग नहीं पेशाब रोक सकते। और कहते अब्दुल कादिर जनानी ने एंड जनाब चादर सुटी, उन्होंने जाके डिगी तो फिर किसी मैदान पहुंच गए तो फारे होके वापस आए, तो रोक लेंदे ना। उसमें अल्फाज हैं, वो कहते हैं वो बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, पेशाब नहीं रुका। नहीं रुक सकता सर ना, इंसान बहुत कमजोर है। खाना ना खाए जिंदा नहीं रह सकता, मोहताज है। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 72 में आया, ईसा और उनकी मां रोटी के मोहताज थे। अगर ईसा उलुल अज़म पैगंबर मोहताज हैं खाना खाने के, और उनकी मां सारे बुजुर्गों से बड़ी बुजुर्ग वलिया मरियम बिनते इमरान, वो रोटी की मोहताज हैं, तो बाबों की क्या औकात है? रोटी के मोहताज है, और रोटी खा लें तो निकालने के मोहताज, ना निकले तो फिर परेशानी। सब कुछ अल्लाह कर रहा है। तो मेरे भाई, जब ये अल्लाह कर रहा है, पुकारना अल्लाह को है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। ये हमारा मेन झगड़ा है शिर्क के हवाले से। हजारों बातें एक तरफ, असल बात यह है कि असल शिर्क हुआ है इय्याका नस्ताईन में। इबादत की कोई शक्ल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नजर, न्याज, सब अल्लाह के लिए, सब देते भी अल्लाह के लिए। बस इसाले सवाब की नीयत करते हैं, वो छोटा मसला है। ठीक है, मैयत की तरफ से इसाले सवाब हो सकता है, लेकिन इय्याका नस्ताईन में मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क कर रही होती है। अच्छा, नमाज में नहीं करती। नमाज में आज तक किसी ने या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद नहीं पढ़ा। नमाज में क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। तो सर, मौला अली भी नमाजों में अल्लाह को पुकारते थे, नमाज के बाद भी अल्लाह को पुकारते थे। मौला अली का मानने वाला वो होगा जो मौला अली की तरह अल्लाह ही को पुकारे, वरना मौला अली का मानने वाला तो वो ना हुआ। तो ये आप देखें कितनी बड़ी ये जुर्रत का ये लोग काम कर रहे होते हैं। हम जब समझाते हैं तो कहते हैं आप गुस्ताखी कर रहे हैं। सर, जब आप ईसाइयों को समझाते हैं ना कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, तो ईसाई भी यही समझते हैं आप हजरत ईसा की गुस्ताखी कर रहे हैं। और कुरान में तो बहुत सख्त बात आई है, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 17 में, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह हैं। उसके बाद कितने सख्त अल्फाज हैं, कुल ए नबी तुम फरमाओ, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा, इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फिल अर्दि जमीआ, कि अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा इब्न मरियम और उनकी मां को और सारी मखलूक को हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा, शिर्क किया ईसाइयों ने, मिसाल दे दी ईसा इब्न मरियम की तौहीद के लिए, लिहाजा बाबों की मिसाल आएगी। सर, ईसा से बड़ा तो कोई बाबा नहीं है। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुकर्रबीन, सूरह आले इमरान आयत नंबर 45। और 5 उलुल अज़म पैगंबर जो सूरतुल अहज़ाब में, सूरह शूरा में आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, उनमें से एक हैं ईसा इब्ने मरियम। और अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह ईसा और उसकी माँ और सब लोगों को हलाक कर दे। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, बादशाहत तो आसमान और ज़मीन की अल्लाह की है, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इसके दरमियान है उसका मालिक भी अल्लाह है। यख्लुकु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। ईसा को भी उसने पैदा किया, ये उसकी मखलूक है, दैट्स ऑल, जिस तरह और मखलूक़ात हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर क़ादिर है। सर किस लेवल पे जाके आपको अल्लाह समझाए, किस लेवल के ऊपर जाके? तौहीद का मामला बहुत सेंसिटिव है। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं, शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर शिर्क से ज्यादा कोई हसास मामला नहीं है। इसलिए तो यह आयत आई है कि अल्लाह ने हर गुनाह माफ कर देना, लेकिन यह माफ नहीं करना। लेकिन सर एक खुशखबरी भी है, सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 70 में आया कि अगर कोई शिर्क से दुनिया की जिंदगी में तौबा कर ले, हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। यानी अल्लाह उसको यह भी दिखेगा कि इतना अर्सा तूने शिरक किया है, उन पहले एने साल नेकियां कर, तो एड्डा गाढ़ा गुना सी उन्होंने खत्म करने टाइम चाहिए। अल्लाह कहता है तू तौबा कर ले, मैं उस गुनाह को भी नेकी के बराबर तोल लूंगा, एक बार मेरी तरफ आ जा। सही मुस्लिम में हदीस है और जामिया तिरमिजी में भी, ऐ मेरे बंदे, अगर तू इतने गुनाह कर ले कि आसमान तक पहुंच जाएं और सिर्फ एक दफा मुझसे माफी मांग ले, मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। और ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीनों आसमान गुनाहों के भर के क्यामत वाले दिन मेरे पास आया, लेकिन तूने एक गुनाह ना किया हुआ, और वो है मुझसे के साथ किसी को शरीक ठहराना, तो मैं उस कदर मगफिरत के साथ उससे मुलाकात कर लूंगा, अगर तूने शिर्क ना किया हुआ। बस ये गारंटी दे दे। एक तो मोटा मोटा शिर्क है ना, वैसे तो ख्वाहिश नफ्स को भी शिर्क कहा गया। अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहू हवा, भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। वो भी छोटा शिर्क तो है। फजर के वक्त अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद में ना जाना और अपने नफ्स की पैरवी करना, यह भी शिर्क की एक फॉर्म है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी जो डिग्री कुरान में अल्लाह ने दी है ना, वो क्या है? वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। आप बंदा कहते हैं यार ये कौन सी डिग्री है, मुशरिक तो मैं भी नहीं हूँ। ना सर ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी तौहीद और ते तुहाडी मेरी तौहीद और। वो हर तरह के शिर्क से आज़ाद हो चुके थे। सर इससे बड़ी क्या बात होगी? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि सूरतुल बकरा में कि जब जब इब्राहीम को उसके रब ने आजमाया तब तब वो आजमाइश में पूरा उतरा। और सूरतुल नज्म में फरमाया इब्राहीम वो है जो हमसे वफा करने वाला है। और सूरह अस्साफात में आया कि हमने उसे इतनी बड़ी आजमाइश में डाला कि उसके बच्चे की कुर्बानी का उसे हुक्म दिया, तो वो तैयार हो गया उसके लिए। तो उन्होंने बेटे को भी अल्लाह के मुकाबले पे खड़े नहीं होने दिया, इसलिए कहा गया वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये कोई छोटी डिग्री नहीं, बहुत बड़ी डिग्री है। तो शिर्क का मामला बहुत सेंसिटिव है। ये सही मुस्लिम की मैंने आपको हदीस बताई। एक और हदीस है सही मुस्लिम के अंदर ही कि नबी अलैहिस्सलाम जब शबे मेराज गए तो अल्लाह ताला ने उनको 3 तोहफे दिए। नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात आमन रसूल, और तीसरा ये कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो उम्मती शिरक नहीं करेगा ना, मैं उसकी मगफरत कर दूंगा क़यामत वाले दिन, यानी एट द एंड ऑफ द डे, अपना अजाब भुगतने के बाद। ये नबी अलैहिस्सलाम को गारंटी दी गई। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा फरमाया, जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप फरमाया क्या मैं तुम्हें बता ना दूं, तुम्हें बता ना दूं, बता ना दूं? कहा या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। और एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, उसमें भी यही अल्फाज हैं, लेकिन उसमें अल्फाज हैं कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। पैदा करने वाला और पैदा हुआ बराबर नहीं हो सकते। सर अल्लाह ही है जो पैदा करने वाला है, बाकी सब पैदा हुए हैं, तो वो अल्लाह के मुकाबले पे कैसे आ सकते हैं? नेवर, कभी नहीं आ सकते। सही बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है, मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पीछे एक दफा सवारी पे गधे पे बैठा था, आपके और मेरे दरमियान बस एक पालान की लकड़ी थी, यानी आप अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे वो एक छोटी सी लकड़ी रखी हुई थी कमर को सपोर्ट देने के लिए। अब वो ये नक्शा इसलिए खींच रहे थे अपना रसूलुल्लाह से कुर्ब बताने के लिए कि मेरी खुशनसीबी है कि हुजूर गधे पे बैठे हैं आगे और मेरे और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ एक लकड़ी की वो पालान की डंडी है लकड़ी की। सर आप ज़रा खुशनसीबी का लेवल देखें। और नबी अलैहिस्सलाम सवारी पे मुझसे इरशाद फरमाते हैं मुआज़, तो कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह हाजिर हूँ हुक्म कीजिए। फिर हुजूर ने दूसरी दफ़ा कहा ए मुआज़, फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ, तीसरी दफ़ा भी इस तरह कहा। फिर हुजूर ने, यानी ये इसलिए आप करते थे कि किसी को अटेंटिव करें कि मैं आपको बहुत बड़ी बात करने लगूँ। तो मैं मुआज़ जानते हो कि अल्लाह का अपने बंदों पे क्या हक है? कि रसूलल्लाह अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया कि अल्लाह का अपने बंदों पे यह हक है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, सवारी थोड़ी आगे गई। फिर आपने कहा मुआज़ कि या रसूलल्लाह हाज़िर, लब्बैक या रसूलल्लाह, ये अल्फाज हैं या रसूलल्लाह हाज़िर हूँ। फिर कहा मुआज़ लब्बैक या रसूलल्लाह, तीन दफ़ा। फिर जानते हो जो बंदा ये कर ले कि वो शिरक ना करे और अल्लाह के की ही इबादत करे, उस बंदे का अपने रब पे क्या हक है? हाय 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 हाय, बंदे का क्या हक हो सकता है? बंदे की क्या औकात है? लेकिन अल्लाह ने इंसान को ये इज्जत दी है कि जो शिरक नहीं करता और सिर्फ उसकी बात करता है वो फिर अल्लाह पे हक रखता है कि ऐसे बंदे को अल्लाह अजाब ना दे और क़यामत वाले दिन बख्श दे। ये है उस बंदे का हक अपने रब के ऊपर। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, आमीन। ये उस बंदे का हक हो जाएगा। सुनन इब्न माजा में और मुस्नद अहमद में हदीस है, मुआज़ इब्न जबल कहते हैं, यही मुआज़ और अबू दरदा असहाबे सूफा में से, वो कहते हैं मेरे खलील ने, मेरे जिगरी यार ने, रसूलल्लाह के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मेरे खलील ने मुझे ये नसीहत की थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, खा तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या तुम्हें जिंदा आग में जला दिया जाए, वो तैयार हो जाना, लेकिन शिरक ना करना। अच्छा, मुसलमान बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो कोई भी शिरक नहीं करता, शिरक से मुक गया जी। वो मेरी तरह वीडियो में मुके है, एक कब्रों उते आके हिंदू पे सजदे कर देने। अली अल्लाह जो शिया का एक ग्रोह है नुसैरिया शाम में, वो कोई हिंदुओं में से निकला हुआ है? शिया में से निकला है ना। और सुनियों में से जो फिरका कादियानियों का निकला है, ये रसूलल्लाह के साथ शिरक नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एक झूठी नबूवत क्लेम कर दी है? ये कोई आसमान से तो नहीं नाजिल हुए, ये पहले हनफी था ना, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल। तो अगर शिरक खत्म हो चुका है तो ये कहां से टपक पड़े हैं? फिर तसव्वुफ में हुलूलिया जो अल्लाह के लिए हुलूल का अकीदा रखते हैं, कश्फुल माजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी ने खुद लिखा है कि वो गुमराह लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह हमारे अंदर आ जाता है, तो ये शिरक कर रहे हैं। तो शिरक अगर खत्म हुआ होता तो ये सब लोग वैसे ही लिखते रहे। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, तो उसमें बुनियादी बात वही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। अच्छा, हालांकि ये अल्लाह से मदद मांगना भी इबादत ही है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने इसको अलग से मेंशन किया है। अल्लाह ने तो किया ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हालांकि नअबुदु में दुआ शामिल थी, लेकिन अल्लाह को पता था ज्यादा शिरक इसमें होना है, इसलिए मजीद उसको निखारते हुए नालादा कर दिया कि दुआ भी सिर्फ उसी से करनी है। हो सकता है इबादत की वजह से लोग कहते हैं सीधे अल्लाह की नमाज पढ़ना है ना जी, जब हम समझाते हैं कि यार दुआ भी अल्लाह से करनी है तो कहते हैं नहीं नहीं ये जो हुक्म है इबादत इबादत है, लेकिन अल्लाह ने उसको अलग किया नस्ताइन। और जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। यानी इबादत की आला शक्ल क्या है? दुआ, इय्याका नस्ताइन। फिर आपने कहा कि अल्लाह भी तो कुरान में फरमाता है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बात की दलील में कुरान की आयत पढ़ी सूरह अल मुमिन की, जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं, आयत नंबर 60। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नमा दाखिरीन, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, बेशक जो लोग मुझसे दुआ करने में तकब्बुर करते हैं और मुझसे नहीं मांगते, मैं उन्हें ज़लील व ख्वार करके दोज़ख में दाखिल करूंगा। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है, जिक्र हुआ कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा, और उसी आयत में कह दिया कि जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं उन्हें मैं ज़लील व ख़्वार करूंगा। यानी दुआ को खुद इबादत कहा अल्लाह ने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया अपनी उस हदीस से, अद्दुआ हुवल इबादा, और साथ ये आयत पढ़ दी। अब आपको किस तरह और समझाएं कि नबी अलैहिस्सलाम किस तरह खोल खोल के बातों को इरशाद फरमाया करते थे। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें अभी मुझे बहुत सारी गुफ्तगू और करनी है, लेकिन अब टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर अगली दफ़ा भी गुफ्तगू करूँ और आपको कुछ अपने पर्सनल वाक़यात भी इस हवाले से सुनाऊँ, ताकि ये आयत मुतकाज़ी है कि इसको इस तरह अनअटेंडेड छोड़ के ना जाया जाए। ये इस दफ़ा तो हमने गुफ्तगू की है, अगली दफ़ा भी कम से कम मैं आधा घंटा इसके ऊपर ही लगाऊँगा, क्योंकि पूरे कुरान से आपने जो चीज़ हासिल करनी है वो यही है मेन चीज़। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि सूरतुल इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर है। क्यों? कुरान का एक तिहाई तौहीद है, सबसे ज्यादा आयात तौहीद के ऊपर है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज जो है वो शिर्क के हवाले से डिस्कस की गई है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अगली दफा इसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा, अभी इस गुफ्तगू को यहीं पे छोड़ते हैं, वरना अभी तो काफी सारी चीजें बयान करने वाली हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से उसे महव कर दे, यानी धो दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।